हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एंड शाइन इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर एट अ डेज वेट ऑफ क्लास फाइव फ्रॉम रत्न सागर फोकस सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉज इज गेट्स एंशियस अबाउट हिज इलनेस क्या वो अपनी बीमारी को लेकर के अपनी इलनेस को लेकर के बेचैन था हाउ डू यू नो तुम कैसे जानते हो आंसर येस स्कैट्स वॉज एंशियस अबाउट हिज इलनेस हाँ वो अपनी बीमारी के को लेकर के काफ़ी बेचैन था ही वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग एंड डिड नॉट सीम टू फॉलो द स्टोरी द नरेक्टर वॉज़ रीडिंग फॉर हिम और वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि नेरेटर जो रीडिंग कर रहा था उसके लिए वो उसको भी नहीं सुन रहा था ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग अवे रेदर देन टेकिंग रेस्ट और वो इसकी चीज़ के लिए भी इंसिस्ट करता है ज़िद करता है कि वो जागरी रहना चाहता है बजाय की रेस्ट करने की नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द डिफरेंट थर्मोमीटर्स मैंशन इन द स्टोरी स्टोरी में कौन से डिफरेंट थर्मोमीटर्स मैंशन किए गए थे वाई वज स्केट्स कन्फ्यूज अबाउट दैम स्केट्स उनको लेकर कन्फ्यूज क्यों था आंसर आंसर द थर्मोमीटर्स मैंशन इन द स्टोरी आर सेल्सियस एंड फेरेनाइट जो मेंशन किए गए थे थर्मोमीटर स्टोरी में वो थे सेल्सियस एंड फेरानाइट स्केयर्स वाज कंफ्यूज अबाउट देम स्केयर्स उनको लेके काफ़ी कंफ्यूज था बिकॉज ही डिड नॉट नो दैट देयर आर टू डिफरेंट थर्मोमीटर्स विद डिफरेंट स्केल्स क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी उसको नहीं पता था कि डिफरेंट स्केल्स के साथ दो अलग अलग थर्मोमीटर भी होते हैं ही न्यू ओनली अबाउट वन काइंड उसको सिर्फ एक के बारे में पता था द सेल्सियस थर्मोमीटर उसको सिर्फ सेल्सियस थर्मोमीटर के बारे में पता था सो ही डिड नॉट रियलाइज़ दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल इसलिए उसको एहसास नहीं हुआ कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल था एज़ पर अदर द फेरानाइट थर्मोमीटर जो दूसरा थर्मोमीटर होता है फेलेनाइट वाला उसके हिसाब से उसका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था उसको ये चीज़ नहीं पता थी नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है फिलप्स फर्स्ट है हमारा द डॉक्टर सेट दैट स्कैट्स हैंड आंसर जाएगा हमारा द फ्लू द स्कैट्स है फ्लू नेक्स्ट है द नेरेटर डैश टू स्कैट्स इन बेट द नेरेटर रीड टू स्कैट्स इन बेट अ नैरेटर एंड डैश वेंट फॉर अ डॉग आंसर चाहिएगा मारा हिज डॉग नेक्स्ट है स्कैट्स कंडीशन हैड नॉट डैश मच वेन द नेरेटर केम बैक आंसर चाहिएगा

इन द मॉर्निंग सुबह या मॉर्निंग में स्कैट्स कैसा दिख रहा था और कैसा महसूस कर रहा था आंसर हो जाएगा हमारा स्कैट्स लुक्ड इल स्कैट्स बीमार दिख रहा था ही वॉज शिवरिंग वो थरथरा रहा था या कांप रहा था हिज फेस वॉज वाइट एंड ही वॉकड स्लोली और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था और वो धीरे धीरे चल रहा था एज दो इट एग्ड टू मूव ऐसे लग रहा था जैसे उसे चलने में दर्द हो रहा हो ही हैड हाई फीवर एंड ही लुक्ड वेरी सिक एंड मिजरेबल उसको बहुत तेज बुखार था और वह बहुत बीमार और मिजरेबल दिख रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट डिड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब फॉर स्कैट्स फीवर स्कैट्स के फीवर को लेकर डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया यानी क्या सलाह दिया इंस्ट्रक्शंस दिए आंसर है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब थ्री डिफरेंट मेडिसिन इन डिफरेंट कलर्ड कैप्सूल्स फॉर स्कैट्स फीवर डॉक्टर ने थ्री डिफरेंट मेडिसिन थ्री डिफरेंट कलर कैप्सूल में स्केट्स के फीवर के लिए प्रिस्क्राइब किया या सलाह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज इट आउटसाइड वेन द नरेटर वेंट फॉर अ वॉक जब नरेटर बाहर वॉक पे गया तो बाहर कैसा था आंसर है इट वॉज ब्राइट एंड कोल्ड डे वो बाहर बहुत ही ब्राइट और कोल्ड डे था बहुत ठंड थी द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद फ्रोजन स्लीट और जो ग्राउंड था वो कम्पलीटली कवर था फ्रोजन स्लीट से यानी कि बर्फ से फोर्थ क्वेश्चन हाउ डिड द नरेटर फाइंड स्कैट्स आफ्टर हिज वॉक वॉक से वापस आने के बाद नरेटर ने स्कैट्स को कैसा पाया आंसर स्कैट्स वॉज एग्जैक्टली एज द नरेटर हैड लेफ्ट हिम स्कैट्स बिल्कुल वैसी था जैसा नरेटर उसे छोड़कर गया था ही हैड हाई फीवर उसको बहुत तेज बुखार था ही वॉज वेरी पेल बट हिज चीक्स वर फ्लस्ड बाई द फीवर उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था वो पूरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उसके जो चीक्स थे गाल थे वो बिल्कुल रेड हो गए थे फीवर की वजह से ही कंटिन्यू टू स्टेयर एट द फुट ऑफ हिज बेड वो अपने बेड का जो फुट था जो पाँव होता है उसको कंटिन्यू स्टेयर कर रहा था कंटिन्यू देखे जा रहा था लास्ट क्वेश्चन वाई डिड स्कैट्स थिंक दैट ही वॉज गोइंग टू डाई स्कैट्स को क्यों लगता है कि वो मरने वाला है स्कैट्स थाट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई स्कैट्स को लगता है कि वो मरने वाला है बिकॉज क्योंकि हिज फ्रेंड्स हैड टोल्ड हिम दैट उनके उसके दोस्त ने उसको कहा था कि पीपल डू नॉट सर्वाइव अ फीवर ऑफ फोर्टी फोर डिग्री लोग नहीं जी पाते हैं फोर्टी फोर डिग्री बुखार के साथ एंड ही हैड अ फ़ीवर ऑफ हंड्रेड एंड टू और उसको फीवर था वन हंड्रेड टू का ही डिडंट नो दैट बोथ दीज टेम्परेचर्स वर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट थर्मोमीटर्स और उसको नहीं पता था कि ये दोनों जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट थर्मोमीटर से मापे गए हैं या नापे गए हैं ईच विद डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर और उन दोनों का जो टेम्परेचर स्केल है वो डिफरेंट था नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट लाइन है हमारी ही सीम टू नो ऑल अबाउट इन्फ्लुजा इस भी इसके बिहाफ क्वेश्चन है आपका हु इज़ ही एंड वट डिड ही से आंसर हो जाएगा हमारा एक आंसर हो जाएगा हमारा ही इज़ द डॉक्टर ही कौन था तो डॉक्टर था और सेकेंड का आंसर हो जाएगा ही सेट दैट स्कैट्स हैड अ लाइट फ्लू उसने कहा था यानी डॉक्टर की बात हो रही है डॉक्टर ने कहा था कि स्कैट्स को एक लाइट फ्लू है मतलब उसको वायरल फीवर से थोड़ा सा हल्का बुखार है देर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट इफ़ द फीवर डिड नॉट गो अबव वन हंड्रेड एंड फोर डिग्रीज़ और घबराने वाली कोई बात नहीं होगी अगर उसका जो बुखार है या डिग्री उसका जो टेम्परेचर है 104 डिग्री से एबव अगर नहीं जाता है एंड देयर वाज नो डेंजर इफ़ ही अवॉयडेड निमोनिया और अगर वो निमोनिया को अवॉइड करे तो फिर कोई डेंजर की बात नहीं है कोई घबराने की बात नहीं है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एट द हाउस दिस सेट द बॉय हैज़ रिफ्यूज टू लेट एनी वन क्लेम इन टू द रूम इस लाइन के बिहाफ पे देर आर टू क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा वेन डिड द नरेटर से दिस नरेटर ने ये लाइन कब कही थी एंड वाई डिड द नरेटर रिफ्यूज टू लेट एनी वन इन और जो स्केट्स uh, था वो हर किसी को अंदर आने के लिए मना क्यों कर रहा था रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना इनकार कर देना सो so, फर्स्ट का आंसर है हमारा द नरेटर सेट दिस आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम अ वॉक विद द डॉग जब नरेटर घर वापस आता है रिटर्न हो जाता है यानी वापस आता है घर पर वॉक के बाद अपने डॉग के साथ और सेकेंड का आंसर है स्कैट्स रिफ्यूज टू लेट एनी वन कम इन टू द रूम स्केट जो है सबको मना कर देता है अंदर आने से रूम में अपने बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट दैम टू कैच हिज फीवर क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग भी उसका जो फीवर है उनको भी हो जाए यानी कि वो फीवर उनको भी ना हो इसलिए वो मना कर रहा था थर्ड सेंटेंस है हमारा आई एम टेकिंग इट इजी ही सेड एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड Uh, इसने ये लाइन बोली थी और फिर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट देखने लग जाता है इसके बिहाफ पे आपको दो दो क्वेश्चन मिले हैं फर्स्ट है वॉट डज टेक इट ईजी मीन मतलब टेक इट ईजी का क्या मतलब होता है और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है जे ड स्कैट्स टेक इट ईजी वाई क्या स्कैट्स ने इसको आसानी से लिया क्यों इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर है टेक इट ईजी मीन्स टू रिलैक्स एंड नॉट वरी टेक इट ईजी का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना और परेशान ना होना और सेकेंड का आंसर हो जाएगा नो नहीं स्कैट्स डि नॉट डिड नॉट टेक इट ईजी बिकॉज ही थाट ही था वॉज था गोइंग टू डाई स्केट्स बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता है और उसको ऐसा लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है फोर्थ सेंटेंस है हमारा यू पुअर स्केट्स आई सेट पुअर ओल्ड स्केट्स इस लाइन की बिहाफ पे पूछा गया है हु सेट दिस किसने कहा था ये वेन एंड वाई डिड ही से दिस कब और क्यों कहा था उसने ऐसा आंसर है द नरेटर सेट दिस नेटर ने यानी कि स्कैट्स के फादर ने यह कहा था और सेकेंड का आंसर हो जाएगा कि कब और क्यों बोला था इसने तो आंसर है ही सेट दिस वैन स्कैट्स सेट दैट ही वॉज़ गोइंग टू डाई उसने ये तब कहा था जब स्कैट्स ने बोला था कि वो मरने वाला है ही फेल्ट बैड उसको बहुत बुरा लग रहा था दैट हिज सन हैड बीन थिंकिंग दैट ही वॉज गोइंग टू डाई और उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसका बेटा ये सोच रहा है सुबह से कि वो मरने वाला है बिकॉज ऑफ असअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी डिस्कस इन क्लास क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दिज सेंटेंसेज गिव्स द मीनिंग ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी वाई डू यू थिंक सो सो आंसर हो जाएगा हमारा स्केट्स बिगेन टू तो बिहेव नॉर्मली लाइक अ बॉय सेकेंड है ऑन दैट थर्मोमीटर थर्टी सेवन इज नॉर्मल और इसके भी यहाँ पे बोला गया है, है पूछा गया है विच थर्मोमीटर इज द नैरेटर टॉकिंग अबाउट कौन से थर्मोमीटर के बारे में नरेटर बोल रहा था या बात कर रहा था वट वुड यू वट वुड भी नॉर्मल ऑन द अदर थर्मोमीटर और जो इसके अलावा दूसरा थर्मोमीटर था उसमें क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है आंसर है द नरेटर इज टॉकिंग अबाउट द सेल्सियस थर्मोमीटर नरेटर जो है सेल्सियस वाले थर्मोमीटर के बारे में बात कर रहा है कर रहे हैं नाइन्टी एट डिग्री वुड भी नॉर्मल ऑन द फेरानाइट थर्मोमीटर और 98 डिग्री जो है वो फेरानाइट थर्मोमीटर में नॉर्मल माना जाता है नेक्स्ट है हमारा वो पार्ट फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट मीन्स द सेम एज दीज वर्ड्स ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसका सेम मीनिंग निकलना चाहिए आपको इस बॉक्स में से वो फाइंड करना है सो क्लिक फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैमलिंग ट्रैमलिंग का सेम मीनिंग देने वाला वर्ड हो जाएगा हमारा शिवरिंग दिस वन सेकेंड है हर्ट और हर्ट का हमारा जो सेम मीनिंग देने वाला वर्ड है वो है एट दिस वन फिर है अनवेल अनवेल मतलब सिक यानी बीमार नेक्स्ट है डायरेक्शंस डायरेक्शंस का हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन Instruction है यहाँ पर है हमारा यू गो। नेक्स्ट है नॉर्मल नॉर्मल का हमारा सेम मीनिंग देने वाला वर्ड हो जाएगा नेचुरल दिस वन फिर है वरी और अपसेट इसका हो जाएगा हमारा बॉदर दिस वन डिस अलाउड यानी रिफ्यूज रिफ्यूज हमारा यहाँ है फिर है स्टोपेड स्टोपेड का मतलब सिली दिस वन एंड सर्टेनली मतलब एब्सोल्यूटली दिस वन आई होप की ये वीडियो और इसके सारे सोल्यूशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हमरी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द वीडियोस नोटिफिकेशंस और अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया